खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। राहुल गांधी को उनके गढ़ में हराने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों अमेठी में जमकर प्रचार कर रही हैं। कुछ देर पहले स्मृति ने अमेठी में मंदिर में जाकर मां दुर्गा से जीत का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी मंदिर पहुंची, जीत का आशीर्वाद लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब 5 साल अमेठी पर जमीनी स्तर पर काम करने के बाद स्मृति ईरानी इस बार राहुल को हराने का दावा कर रही है। स्मृति ईरानी का ये भी कहना है कि उनके डर से ही राहुल इस बार अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बोलिए दुर्गा देवी मैया की। अमेठी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो कि राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरी हैं, मंदिर पहुंची आशीर्वाद लेने, और 6 मई को अमेठी में मतदान होने जा रहा है और ये दिलचस्प टक्कर अमेठी में नजर आएगी। बीजेपी ने स्मृति ईरानी को एक बार फिर राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा है। पिछली बार भी बीजेपी ने स्मृति ईरानी को यहां से कैंडिडेट बनाया था, हालांकि हार गई थी स्मृति ईरानी, लेकिन कड़ी टक्कर दी थी उन्होंने राहुल गांधी को। इस बार भी राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं और जीत का भी दावा कर रही हैं। साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि हार से डर के डर से राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। और ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आज प्रचार के दौरान नजर आई। महाराष्ट्र से एक तस्वीर कांग्रेस की उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर गुड़ी पर्वा पर बधाई देती हुई। वहीं नवरात्र भी है, आज शुरुआत है, पहला नवरात्रा है। स्मृति ईरानी अमेठी में मंदिर पहुंची जीत का आशीर्वाद लेने। मंदिर में किस तरह दर्शन किए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने।